नमस्कार दोस्तों, सो अरविंद लिमिटेड की बात करते हैं। अरविंद लिमिटेड के नतीजे आने वाले थे, रिजल्ट आने वाला था, फाइनेंशियल रिजल्ट 27 जुलाई 2023 को, पहली तिमाही का Q1 FY23 का। तो नतीजों की बात करेंगे, शेयर प्राइस की बात करते हैं। तेज़ी देखने को मिली थी, डिविडेंड दिया गया है कंपनी के द्वारा, फाइनल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड। तो हाई जो बना था 143 का बना था, तो नतीजों की बात कर लेते हैं, टोटल इनकम, प्रॉफिट की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले नंबर्स को चेक करते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट को चेक करते हैं अरविंद लिमिटेड। अब दोस्तों फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं, स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये अरविंद लिमिटेड का 30 जून 2023 का। और 30 जून 2023 के क्वार्टर में इनकम की बात कर लेते हैं, सीधे से 1689 करोड़ का इनकम हुआ है। और अदर इनकम 16 करोड़ का है, 16 करोड़ का है। और टोटल इनकम 1706 करोड़ का है दोस्तों, टोटल इनकम 1706 करोड़ का है। और इससे पहले क्वार्टर में 1720 करोड़ का था, और एक साल पहले 2183 करोड़ का टोटल इनकम था। तो अब की बार टोटल इनकम घट गया है दोस्तों, ये 2183 करोड़ से घटकर 1706 करोड़ का टोटल इनकम हो गया है, 1720 करोड़ का टोटल इनकम इससे पहले तिमाही में था। तो देखिए जो टोटल इनकम है अरविंद लिमिटेड का वो कम है दोस्तों, वो कम है और ग्रोथ कम रही है इस क्वार्टर में दोस्तों, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी और सालाना भी। और आगे की तरफ चलते हैं, टोटल इनकम 1706 करोड़ का है, तो एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस है 1623 करोड़ का, और टोटल इनकम है 1706 करोड़। तो कंपनी को प्रॉफिट है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 82 करोड़ का है। अब की बार थोड़ा बहुत देखिए जो एक्सपेंसेस है कम हुआ है, तो पिछली बार ज़्यादा था, ये एक साल पहले भी ज़्यादा था। तो 82 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, 59 करोड़ का Q4 में था, एक साल पहले 200 करोड़ का था। तो सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 64 करोड़ का है दोस्तों, 64.05 करोड़ का प्रॉफिट है, और 48 करोड़ का Q4 में था, 175 करोड़ का साल भर पहले था। अब की बार मुनाफा कम रहा है, सालाना एक तरह से ग्रोथ कम है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो प्रॉफिट बढ़ कर आया है, क्योंकि एक्सपेंसेस कम हुए हैं दोस्तों। तो 64 करोड़ का प्रॉफिट है Q1 FY24 में दोस्तों अरविंद लिमिटेड का। आगे की तरफ चलते हैं, तो देखिए EPS की बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें 2.45 का है, और 1.86 का Q4 में था, और एक साल पहले 6.98 का था दोस्तों। तो देखिए अर्निंग पर शेयर भी घटा है सालाना। Q1 FY24 में अरविंद लिमिटेड के जो नतीजे हैं, तो ग्रोथ कम रही है दोस्तों, इनकम भी कम है, प्रॉफिट बढ़कर आया क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, सालाना तो काफ़ी कम है दोस्तों। तो ये Q1 FY24 के नतीजे हैं, जिसमें कंपनी को प्रॉफिट आया है 64 करोड़। अब दोस्तों बात करते हैं क्या करना चाहिए अरविंद लिमिटेड में। देखिए नतीजों में टोटल इनकम कम आया है, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट आया है दोस्तों। तो जैसे कि फाइनल डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड दिया गया था, तो एक बाइंग देखने को मिली थी स्टॉक में, और स्टॉक ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा था। नतीजे अच्छे होते तो स्टॉक अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता, बट ये कि नतीजों में कमी के कारण स्टॉक में गिरावट है, तो जो ऊपर की तरफ फंस गए तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, समय देना चाहिए। और थोड़ा बहुत समय अगर लग सकता है ऊपर की तरफ जाने में, 143 को ब्रेक करेगा तो फिर स्टॉक नया हाई बनाता हुआ नज़र आ सकता है। और स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन नतीजों का रिएक्शन है जो स्टॉक गिरा है दोस्तों, तो होल्ड करना चाहिए, ये हमारा व्यू रहेगा अरविंद लिमिटेड में। और जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाए तब फिर अपना डिसीजन लेना चाहिए, फैसला करना चाहिए कि हमको करना क्या है। तो ये अरविंद लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है, Q1 FY24 के नतीजों का अपडेट था। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।